हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हम लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आपको आप लोगों को दिखाना चाहते हैं एक ही खातिर। ये देखिए, ये हम लोग का यहाँ से ये जो डांड है वहाँ से लेकर और वहाँ तक जो पेड़ दिख रहा है वहाँ तक हम लोग का खेत है। धान की फसल है ये, और हर एक किसान भाइयों समझ रहे होंगे। और मौजूदा नहीं आए सब, तो हम ही लोग करना पड़ रहा है और हम लोग को ही करना पड़ रहा है। समस्या क्या है आप लोग को दिखाना चाहेंगे। ये तो हम लोग का धान है, धान का बोझ है, समझते हैं। लेकिन इसमें धान का बोझ तो है पर इसमें धान नहीं है, और ऐसे ही पूरा है। ये हमको लग रहा है 8-10 बीघा होगा खेत, और 10 बीघा में ऐसा ही है पूरा। देखिए वो लड़का, देखिए वो भाई है मेरा, वो कैसे कर रहा है। उसको बस उठा के वहाँ पे ले जाके फेंकना है। अब सोच लीजिए कि क्या हम लोगों को कीमत कर देनी पड़ी होगी या क्या, कितना समझ सकते हैं आप लोग। किसान भाइयों तो दर्द आप लोग समझ रहे हैं ना, कितना दर्द। अब यहाँ से वहाँ तक हम लोग को खुद ही ऐसे ऐसे उठा के वहाँ रखना है, और रख के फिर इसको ये अभी देखिए यहाँ पे अभी जहाँ हम खड़े हैं पैर धंस रहा है, तो इसको अभी ट्रैक्टर से थोड़ा थोड़ा खुरकचना पड़ेगा। उसके बाद ये सूखेगा, फिर जाके इसको जुताई होगी। जितने भी किसान हैं सभी का फसल ऐसा ही बर्बाद हो चुका है। किसी के घर एक दाना जो है इस खेत से नहीं जाएगा। ये सिर्फ इधर जो खाली ज़मीन है इधर यहाँ पे रख देंगे, ऐसे ही सड़ेगा और गलेगा। ये तकरीबन 1 महीने तक पानी में डूबा हुआ था, बाढ़ के पानी में। इधर इधर नदी है, इधर इस साइड नदी है, और इधर हम लोग का खेत है। तो किसान भाइयों लाइक एंड शेयर, आप लोग तो समझ सकते हैं कि एक किसान का दर्द। अब सोच लीजिए जिसका 8 बीघा खेत हो और ऐसा हो गया हो। हम आपको उठा के भी दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये हमारा धान की फसल है। ये देखिए, इसमें धान है ही नहीं, मतलब बस ये है, धान नहीं है। 10 बज रहे हैं और खाना खा पी के लग गए हैं। शाम को कितना बज जाएगा ये कोई सही नहीं है, और क्योंकि अब धीरे धीरे लेट भी हो रहा है बुआई के लिए, बहुत लेट हो चुका है, तो इसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा हम लोग को। और किसान भाइयों, आप लोग अगर ये मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। आप लोग अगर बताएं, कुछ जानकारी हो आपके पास कि इस पोरे को क्या किया जा सकता है, मतलब इसमें धान नहीं है बस पोरा ही है। किसान भाइयों मेहनत जारी है, कोई भी सजेशन हो तो आप बताइए ज़रा। अब देखिए, पिछले 3 साल से ऐसा ही हो रहा है। एक भी जो बोलते हैं कि एक भी मुट्ठा जो चावल होता है वो घर में पहुंच नहीं रहा है। ऐसे ही होता है, काट के फेंकना पड़ता है, बाढ़ आती है लेके चली जाती है। और समझ सकते हैं, धान धान है, रुपाई इसकी, धान फिर से इसको उखाड़ के लगाना, बिया डालना, खाद डालना, और फिर पानी चलाना, और उसके बाद बाढ़ आती है और सब लेके चली जाती है। ये देखिए, ये हम लोग भाई हैं, और उधर गन्ना है थोड़ा सा, बाकी सब इधर से वहाँ तक देख लीजिए। सब ऐसा ही करना पड़ेगा।